हमारे हिंदू धर्म में पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि माना जाता है अगर देवी देवताओं को प्रसन्न करना है तो सही विधि के साथ पूजा पाठ करना बेहद जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि देवी माँ या भगवान आपसे प्रसन्न हो जाए और उनकी कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, तो इसके लिए आपको भी कुछ नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी होता है। और जब भी बात आती है पूजा की, तो पूजा में कई प्रकार के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार पूजा पाठ में किस धातु के बर्तनों का इस्तेमाल होना चाहिए, इसके लिए भी नियम बनाए गए हैं। अधिकतर लोग पूजा पाठ करते समय स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि पूजा पाठ में इसका उपयोग शुभ नहीं माना गया है। जी हाँ, तो चलिए आपको बताते हैं उन धातुओं के बारे में जिनका आपको पूजा पाठ में इस्तेमाल करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पूजा पाठ में उपयोग किए जाने वाले अलग अलग धातु अलग अलग फल देते हैं। जब आप पूजा में सोने, चांदी, पीतल, तांबे के बर्तनों का उपयोग करते हैं तो इसे शुभ माना गया है, लेकिन जब आप स्टील, लोहा या फिर अल्युमिनियम के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं तो इसे अशुभ माना जाता है। यही नहीं, इन धातुओं की मूर्ति की पूजा भी शुभ नहीं मानी गई है। इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा पाठ के लिए प्राकृतिक धातुएं शुभ होती है। यही कारण है कि स्टील के बर्तन से पूजा पाठ करने से मना किया गया है, क्योंकि स्टील जो है वो मानव निर्मित धातु है, जबकि लोहे में जंग लग जाता है और अल्युमिनियम से कालिख निकलती है। यही कारण है कि इन बर्तनों के प्रयोग से हमारी त्वचा को भी नुकसान पहुंचता है और मूर्तियां भी खराब हो सकती है। आपको बता दें यहाँ पर कि पूजा पाठ में सोने, चांदी, पीतल, तांबे के बर्तनों का उपयोग करना बेहद शुभ तो माना जाता है, और ये भी कहा जाता है कि ये सब धातुएं केवल जलाभिषेक से ही शुद्ध हो जाती हैं। कहा जाता है कि इनसे पूजा करने पर पुण्य की भी प्राप्ति होती है। तो अगर आप भी पूजा में अभी तक स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे थे तो आपको थोड़ा सावधान हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अपनी पूजा का सही फल नहीं मिल पा रहा है। आशा है आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी तरह से और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल से आरती की रिपोर्ट।